नीम कोटेड यूरिया उत्पादन के लिए जिले का खाद कारखाना पूरी तरह से तैयार हो गया है। खाद कारखाने के शुभारंभ से खेतों में हरियाली बढ़ाने के साथ ही करीब 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष रोजगार की भी संभावना है। बहुप्रतीक्षित खाद कारखाने का 7 दिसंबर को फर्टिलाइजर के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे, जिसके संबंध में बुधवार को खाद कारखाने की स्थापना व संचालन करने वाली कंपनी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक AK गुप्ता ने कारखाने के उद्घाटन कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि इस खाद कारखाने से केवल उत्तर प्रदेश और अन्य सीमाई राज्यों को पर्याप्त उर्वरक की उपलब्धता ही सुनिश्चित नहीं होगी, बल्कि इससे खाद आपूर्ति के मामले में आयात पर निर्भरता भी कम होगी। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी, अब उन्हीं के हाथों 7 दिसंबर को इसका उद्घाटन होने जा रहा है, जो गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि HURL के इस खाद कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन और प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की है। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन से देश के सकल खाद आयात में भारी कमी आएगी। इसके उत्पादनशील होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार व यूपी से सटे अन्य राज्यों में नीम कोटेड यूरिया की बड़े पैमाने पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि गोरखपुर खाद कारखाने में बना प्रीलिंग टावर विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचा है। प्रीलिंग टावर से खाद के दाने नीचे आएंगे तो इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी। नीम कोटेड यूरिया से खेतों की उर्वरा शक्ति और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि खाद कारखाना में 30% से ज़्यादा पूर्वांचल के युवाओं को नौकरी दी गई है, इनमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के गोरखपुर खाद कारखाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर RMRC की अत्याधुनिक हाईटेक 9 लैब का भी लोकार्पण करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री खाद कारखाने का हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक AK गुप्ता ने कहा, ये प्लांट बनाने वाले हैं, उन्होंने प्लांट बनाया, तो आपका स्वागत करना चाहेंगे। जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, प्रिंट मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और बड़ी खुशी है मुझे कि आप सब लोग हमारे इन्विटेशन पर आ जाए इकट्ठे हुए हैं। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम आपके साथ थोड़ा बैठ के शेयर करें। पिछले 5.5-6 सालों में हमने यहाँ बहुत मेहनत करी है और गोरखपुर के निवासियों के साथ, गोरखपुर के प्रशासन के साथ, उत्तर प्रदेश के प्रशासन के साथ और केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम, और वो दिन आया है जिसके लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा था कि आज हम आप सबको बुला के इसके बारे में जानकारी दें कि हमने कैसे ये जर्नी, कैसे ये हमने ये तय किया है। आज हम यहाँ जहाँ पूरा प्लान हमारा तैयार है और कल शाम को जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था 7 बजे, इसमें प्रशासन के भी लोग थे, मुख्यमंत्री भी थे और दिल्ली से सेक्रेटरी फर्टिलाइजर भी जुड़े थे। तो ऐसा तय हुआ है कि 7 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे और गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट का लोकार्पण वो अपने हाथों से उस दिन करेंगे। शायद 12:30 और 1 के बीच में अभी समय फाइनल नहीं आया है, लेकिन ऐसा मान के चल रहा है कि शायद 1 बजे से लेके 2:30 या 3 बजे तक उनका कार्यक्रम है यहाँ पे, जिसमें गोरखपुर फर्टिलाइजर के साथ साथ वो एम्स का और ICMR की जो लैब बनाई है उनका भी लोकार्पण करेंगे। तो और ये बात भी हम आपको बता दें कि
22 जुलाई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास रखा था और उसी दिन भी एम्स का शिलान्यास भी हमारे साथ ही रखा गया था। और ये एक अपने में बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही रेयर एक ऐसा कोइंसिडेंस है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा उत्सव है कि उन दोनों का लोकार्पण भी वही प्रधानमंत्री कर रहे हैं आगे जहां उन्होंने शिलान्यास किया था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और मेरे लिए ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि मैं भी तब से जुड़ा हुआ हूँ उस कंपनी से, पहले दिन से। 16 जून 2016 को इस कंपनी का गठन हुआ था, उस दिन मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया था और 22 जुलाई 2016 को भी मैं यहीं था और 7 दिसंबर 2021 को भी मैं यहीं रहूँगा। तो मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल अचीवमेंट है और ये जो बनाने के लिए तकरीबन 8,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश लगा है और 27 फरवरी 2018 को इसका जीरो डेट हुआ था और जापान की कंपनी जो है तो उसको इसका काम सौंपा गया था पूरा कारखाना बनाने का। और इसकी जो कैपेसिटी है वो सालाना जो है करीब 12.7 लाख मीट्रिक टन पर एनम, मतलब समझे 13 लाख, समझ लीजिए 13 लाख टन नीम लिपित यूरिया का सालाना प्रोडक्शन होगा। जो रोज पे करेंगे तो करीब 3850 मीट्रिक टन नीम लिपित यूरिया का प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू होगा और इस साइज का प्लांट, ये सबसे बड़ा साइज है देश में, इस साइज के प्लांट अभी लगे हैं बस लेटेस्ट, एक तो प्राइवेट सेक्टर में दोनों लगे हैं, भारत सरकार के क्षेत्र में कोई भी इतना बड़ा प्लांट अभी तक नहीं लगा है, कंपनी ये लगे हैं। और हमारी जो कंपनी है हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसको विश्व में पहली बार 3 ऐसे बड़े बड़े प्लांट खड़े करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही कंपनी एक साथ 3 मेगा प्रोजेक्ट लगाए और पूरा कम से कम 24 से 25 हजार करोड़ का निवेश इसमें हमारी कंपनी ने किया है और बाकी के 2 प्लांट भी 4 महीने के साथ पीछे चल रहे हैं। हम करते हैं उम्मीद शायद अप्रैल में उनका भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होगा। और ये जो इस प्रोजेक्ट के साथ साथ जो हमने बहुत सारा ऐसा प्लान किया हुआ है कि हम गोरखपुर निवासियों के साथ कैसे जुड़े रहे। ये कारखाना तो बन गया और कारखाना शुरू भी हो जाएगा और यहाँ से रेगुलर प्रोडक्शन होगा। पूर्वांचल के जो हमारे किसान भाई हैं उनको ये यूरिया प्राप्त होगा। तो एक तो 2 चीज़ें, एक तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बाकी यूरिया से अच्छी होगी क्योंकि जो आपने पिल टावर देख रहे हैं ये विश्व का सबसे ऊंचा पिल टावर है, 158 मीटर का टावर दुनिया में कहीं नहीं बना है और इतनी ऊंचाई से जब यूरिया नीचे गिरता है तो उसकी क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट आती है वो किसी और यूरिया में नहीं होगी। तो एक तो अच्छा यूरिया मिलेगा और दूसरा आसानी से मिलेगा और तीसरी चीज़ हमने इस बात पर प्रण किया है, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारा यूरिया MRP में बिकेगा। जो MRP भारत सरकार ने 266 रुपये रुपेश तुम्हारा MRP कितना है? 266 रुपए 50 पैसे पे ही बिकेगा बैग हमारा। बाकी हमें मालूम है बाकी के बैग जो है ब्लैक पे भी बिकते हैं
लेकिन हम इस बात के प्रतिबद्ध हैं कि हमारा हमारी कंपनी का बैग जितने में MRP छपा उतने का ही मिलेगा। तो यहाँ के किसानों को अच्छा यूरिया मिले, सस्ता यूरिया मिले और समय से यूरिया मिले। कितना वजन होगा सर उसका? 45 किलो। 45 किलो प्लस 130 ग्राम MTP। सो ये हमारा बढ़ा है। उसके साथ साथ और जुड़ने के लिए हमने काफी प्रशासन आज बिल के हमने काम किया है। मैं कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि जब कोविड में सब महामारी में हम लोग फंसे हुए थे तब HURL ने भी प्रशासन को 2 ऑक्सीजन यूनिट दी थी जो कि चल रही है। ये एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारी और एक कंपीरगंज यहाँ पे हमारे ब्रांच लगाए गए। इसमें ये जो जापानीज एंसेफलाइटिस की जो बीमारी है उसके लिए ये ICU तैयार किया जा रहा है और इसकी कुछ पैसा हमने एडवांस में प्रशासन को रिलीज कर दिया है। इच्छा थी कि एक यहाँ पे कोई ऐसा गांव मॉडल विलेज की तरह से उसको हम डेवलप करें। तो सोनबरसा गांव उन्होंने चूज किया और सोनबरसा गांव को एक मॉडल विलेज में डेवलप करने के लिए वो जिम्मेदारी हमने स्वीकार करी और करीब 13 करोड़ रुपए के खर्च से इस गांव को अगले 9 महीने में सुबोध, ये 9 महीने का पीरियड है ना इनका, 9 महीने में हमने इसको पूरा करके देना है। तो आज से 9 महीने में ये सोनबरसा गांव जो है इसको आप देखिएगा तो पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, रोड, पार्क, लाइटिंग सब बदल जाएगा। और फिर ये प्रशासन ने काफी वहां थोड़ा सौंदर्यकरण किया है और हमने उसको और बहुत खूबसूरत बनाने के लिए भी मंजूरी दी है। ये करीब 2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है 3.5-4 करोड़ रुपए का खर्चा हमने यहाँ पे उनको कमिट किया है। इसके भी पैसे हमने एडवांस में रिलीज कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे मुंबई शहर में मरीन ड्राइव में जो लाइट्स आज लगी हुई हैं वो लाइट्स हम गोरखपुर हड़ताल में अगले 8 महीने में आपको वहाँ दिखाई देंगी। पूरी की पूरी बेंचेस, पूरा का पूरा उनका रोड का साइट्स और एक अंदर जाने का रास्ता, वो सब बहुत बहुत ही खूबसूरत सौंदर्यकरण का एक पार्ट बनाया, उसमें कार्य शुरू होने वाला। आप ये चाहेंगे कि आप जो भी हमारी स्पेशल फीचर्स हैं प्लांट्स के वो हमने एक फोल्डर दिया है, उसमें एक अंग्रेजी में सर आपसे हमने बनाया है। तो अगर FCIL का जो हमने तोड़ दिया और उसके बाद पूरा ग्राउंड बनाया और उसके बाद आज ये नया प्लाट आपके गोरखपुर शहर में ये प्लांट अब तैयार हो गया है। ये रात्र का दृश्य देखिए। अच्छा सर, इससे रोजगार कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोग मिलेंगे रोजगार? देखिए करीब 360 रोजगार तो डायरेक्ट रूप से यहाँ मिलेंगे, जिसमें से 160 आ चुके हैं। ये 160 जो थे उस पर से ज्यादातर वो थे जो फर्टिलाइजर के अनुभवी थे, फर्टिलाइजर सेक्टर से ही है। और अभी हमने कुछ फ्रेश बच्चे भी लिए तो मैं ये बात की जानकारी भी देना चाहूँगा आपको। बड़ी खुशी मुझे महसूस होती है, हमने 100 बच्चे लिए हैं फ्रेश, 100 में से 30 बच्चे 30% पूर्वांचल गए और अपनी काबिलियत का है, अपनी अपने जो उन्होंने मेहनत करी है अपने नंबर पे अपने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। हमारे बच्चे में कोई
किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अपने आप ये देखो, ये लड़की भविष्य में, और ये सब लड़कियां जो, और ये हमारी सीनियर है, ये हमारी एक्सपीरियंस है, ये गोरखपुर से ही मेरा भाई समझो भगवान की वो है, गोरखपुर प्लांट चलाने के लिए पूर्वांचल की लड़कियां ही आ रही हैं। मेरे कुछ और भी इंजीनियर हैं गोरखपुर से। देखिए उत्पादन इसका तो 7 तारीख को शुरू हो जाएगा, 7 को क्या हम लोग 3 या 4 को भी ट्रायल करेंगे, उस दिन भी करेंगे, और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री आएंगे उस दिन शुरू करके पूरा प्लांट उस दिन रेडी हो जाएगा, पूरा प्लांट चलेगा, पूरा प्लांट में मतलब ये प्लांट बड़े बड़े 5 हिस्सों में बटा हुआ है, अमोनिया सबसे इसका अहम हिस्सा है, यूरिया है, फिर इसका ऑफसाइड्स है, फिर इसका एक सीपीपी जो बाल कैप्टे पावर प्लांट है, एक वो बड़ा अहम हिस्सा है इसका, फिर वो एक यूरिया सेक्शन में और पुल टावर जहाँ यूरिया बनता है वो, और फिर जिसको जो है वहाँ कन्वेयर सिस्टम है जो बैगी बिल्डिंग तक ले जाता है, और फिर बैगी बिल्डिंग में उसको बैग किया जाता है, ये 5-6 इसके, और एक इसके नॉर्मल जो गैस का हमारा जो है जो गेल का टर्म है वहाँ से गैस, तो ये 5-6 ये सारे के सारे उस दिन चलेंगे। तो प्रधानमंत्री साहब ने कैसे प्रेजेंट करेंगे ये, इसको हम 2 घंटे पहले चलाना पड़ेगा हमको, तो प्रधानमंत्री साहब जाएंगे वहाँ पे, ये हमें मालूम नहीं है अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस बात की अभी कंफर्मेशन आई नहीं है, हमने तैयारी की है अंदर की भी, अगर अंदर जाएंगे तो अंदर की भी तैयारी है, और नहीं जाएंगे तो समय है उनके पास, पर ऐसा सुनने में आया कि शायद वो एरियल सर्वे करेंगे सीएम साहब के साथ, तो एरियल सर्वे से ज्यादा अच्छा दिखता है। सर इतना बड़ा उपहार दे रहे हैं किसानों को, तो यहाँ के पूर्वांचल किसानों से क्या कहना चाहेंगे? पूर्वांचल के किसानों से तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार पुनः आपका यूरिया कारखाना चालू हो गया, और अब आपको जो परेशानी इतने सालों से झेल रहे थे यूरिया की आपूर्ति में, वो अब आपकी खत्म हुई, अब आपको यूरिया समय से मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और MRP पे मिलेगा, बस हमारा यही मैसेज है।